हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस साइड इज अदनान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी वंडर वुमन 1984। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली गाइज, हमने देख ली है इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वंडर वुमन 1984। ये मूवी काफ़ी पहले रिलीज हो जानी थी लेकिन पैंडमिक की वजह से इसको डिले कर दिया गया। तो फाइनली गाइस, स्टार्ट करते हैं रिव्यू और देखते हैं ऐसा क्या खास है इस मूवी में जिसकी वजह से ये मूवी आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। Barbara, what did you do? तो स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे मैजिक स्टोन से जिससे जो विश मांगो वो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी कोई ख़ास चीज़ खोनी होती है। बारबरा नाम की एक सिंपल सी लड़की जिसको कोई नोटिस नहीं करता, वो उस पत्थर को उठाती है और विश मांगती है कि वो भी वंडर वुमन की तरह स्टाइलिश और पावरफुल बन जाए। और दूसरी तरफ एक हारा हुआ बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड, जो कि इस मैजिकल स्टोन की खोज में काफ़ी समय से लगा है और अपने आप को दुनिया का नंबर वन आदमी बनाना चाहता है। इसी बीच मैजिकल स्टोन वंडर वुमन की भी एक ख्वाहिश को पूरी कर देता है जिसकी वजह से वंडर वुमन की पावर्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। यही सब ड्रामा जानने के लिए आपको देखनी होगी वंडर वुमन 1984। बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन की, जो कि एवरेज है। पिछली फिल्म में इतना ज़बरदस्त डायरेक्शन था जिसके मुकाबले में इस फिल्म का डायरेक्शन बिल्कुल एवरेज लगता है। बात करें स्क्रिप्ट की, जो कि बहुत कमज़ोर और बकवास है। डीसी ने हमें कहानी के नाम पर नया कुछ भी नहीं दिया है। बात करें सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर लेडी विलन बारबरा और स्टीव की एक्टिंग अच्छी है। दोनों की एक्टिंग से फिल्म में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी और सभी ने अपना काम ठीक ठाक ही किया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म की वही घिसी पिटी बकवास कहानी और इस फिल्म के विलन, जो कि विलन कम साइड विलन ज़्यादा लगते हैं। फिल्म के एक्शंस और ग्राफिक अच्छे हैं लेकिन पिछली फिल्म के मुकाबले में कमज़ोर दिखते हैं। बात करें कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी, तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन डीसी ने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया। तो मैं आपको ये मूवी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो आप पिछली वाली वंडर वुमन देख कर उसको इंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस फिल्म को थिएटर में देखने की, तो थिएटर में जाके अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद ना करें। मेरी फाइनल रेटिंग वंडर वुमन 1984 के लिए 2 स्टार आउट ऑफ 5। अगर मेरा रिव्यू आपको ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं हूं अदनान खान और आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।